से आप लोग, मैं घर से थोड़ा बाहर निकला हूँ, मुझे भी थोड़ा क्यों ना एक बाहर में आपके लिए एक वीडियो शूट करें। तो लेकिन दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो नॉर्मल बंदे लोगों को बहुत ही नुकसान कर देते हैं। असल में ये जो वीडियो है ना दोस्तों, पॉलिसी के ऊपर है। अब क्या है ना पॉलिसी, आज के समय में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है दोस्तों जो पॉलिसी नहीं किया हो या पॉलिसी के विषय में नहीं जानता हो। पर इससे प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। क्या है ना कि कभी भी आप पॉलिसी एजेंट जो होते हैं, पॉलिसी एजेंट, उन लोगों के बातों पर आप कभी भी भरोसा ना करें। क्योंकि देखिए, पॉलिसी करने के पहले अगर आप कोई भी पॉलिसी करने जाते हैं तो पॉलिसी का एक एजेंट आता है जो आपको डिफरेंट तरह का आपको ऑफर समझाएगा, पॉलिसी में इस आप लोगों को बताएगा। पर इससे प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी पॉलिसी करने के पहले सबसे पहले आप उसका जो नियम है, जो कंडीशन है, जो फॉर्म में लिखा रहता है, जो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है, उसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। क्योंकि अगर उसे ना पढ़े, फ्यूचर में आपको पॉलिसी में कुछ हेर फेर करना पड़े या कुछ बदला बदली करना पड़े, इससे आगे चल कर आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बहुत ही पहले की बात बताता हूँ। मैंने एक पॉलिसी किया था दोस्तों, तो देखिए कंपनी का नाम तो मैं नहीं ले, तो मैं जो पॉलिसी एजेंट आया था दोस्तों, उन लोगों ने मुझे कहा कि आप ये पॉलिसी कर लो, इस पॉलिसी से बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो मैंने उनके बातों में कन्विंस हो गया दोस्तों, और पॉलिसी मैंने करने के लिए एग्री हो गया। तो मैंने पॉलिसी कर लिया, पर इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक मेरा यही था दोस्तों कि मैंने उन पॉलिसी के चार्ट को पढ़ा नहीं। पढ़ने के बाद इतना पॉलिसी का जो एलसी का जो एजेंट था दोस्तों, उन्होंने मुझे समझाया कि आप तीन साल तक पॉलिसी को कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद अगर आप चाहो तो पैसे आप इकट्ठा, आपको ये पैसे वापस मिल जाएंगे जितना आपने पैसे में जमा दिया। और पॉलिसी का यही एक नियम होता है दोस्तों। तो मैंने 3 साल तक तो पैसे जमा किया दोस्तों, पर सडनली मुझे कुछ ज़रूरत पड़ गया, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पॉलिसी को ब्रेक करूँ। 3 साल में लगभग 90,000 रुपीज़ जमा किया था दोस्तों, और मैंने सोचा था कि चलो कम से कम ये 90,000 रुपीज़ की मैं वापस ले लूँ। पर जब मैं पॉलिसी का ब्रेक किया तो मुझे 40,000 रुपीज़ माइनस करके दिया। अब आप एक बात बताओ दोस्तों कि मेरे ही पैसे मुझे 40,000 रुपीज़ करके माइनस करके दिया। उन लोगों का कहना था कि आप पॉलिसी बीच में ब्रेक किए, इसलिए आपको पॉलिसी का 40,000 रुपीज़ माइनस हो गया है, 40,000 माइनस हो गया। ये कौन सा नियम है दोस्तों? पॉलिसी जब करते हैं उस समय बड़े बड़े बातें की जाता है कि आपको पॉलिसी अगर आप गुजर जाए तो आपको पॉलिसी में इतने सारे पैसे मिलेंगे। मेरा जिंदा रहते हुए मुझे मेरे पैसे नहीं मिले दोस्तों, इन लोगों का क्या गारंटी है कि मर जाने के बाद आपको ये पैसे देंगे? इसलिए आप पॉलिसी एजेंट के बातों पे कभी भी भरोसा ना करें दोस्तों। इन लोग अपने मार्केटिंग के लिए बहुत ही कस्टमर को ऊट पटांग समझा देते हैं, समझा देने के बाद लास्ट में हरजाना हम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों बस यही एक वीडियो था, मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, और आप लोगों से ये बात बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, कोई भी पॉलिसी करने के पहले उसके आप कंडीशन को पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लें। भले आपको 2 दिन बाद पॉलिसी कराए, पर आप नियम को अच्छी तरह से पढ़ें, नहीं तो आपको आगे चल के बहुत ही इसका हरजाना वसूल करना पड़ता है दोस्तों। तो बस दोस्तों यही एक वीडियो था, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों।